न्यूज लाइव राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विश्वकर्मा थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गांजे का अवैध परिवहन करती महिला गिरफ्तार। आरोपी महिला के कब्जे से 8 किलो गांजा बरामद। पुलिस महिला से कर रही है गहनता से पूछताछ। राजधानी के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने आज शाम बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से गांजे का परिवहन करते हुए पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 8 किलो गांजा, तकरीबन 1,00,000 रुपए से ज्यादा का गांजा जब्त किया है। पुलिस महिला से और जानकारी निकाल रही है, जिससे पता लग सके महिला कहां कहां अवैध गांजे की तस्करी करती है। जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा थाना प्रभारी नंदलाल ने बताया कि आज शाम मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित है खातियों की पुलिया के पास एक महिला हाईवे पर संदिग्ध अवस्था में खड़ी है और शायद कोई मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। पुलिस मुखबिर द्वारा बताए हुए ठिकाने पर दबिश दी तो हाईवे पर महिला कट्टे लेकर खड़ी थी। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 8 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,00,000 से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने निवासी हनुमान मंदिर के पीछे माचड़ा हरमाड़ा सीमा पत्नी शंकरलाल सी को गिरफ्तार कर उससे तस्करी के बारे में पूछताछ कर रही है और पुलिस NDPF एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब पुलिस महिला आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे पता चल सके कि महिला का नेटवर्क कहां कहां तक फैला है। चलाई जा रही मुहिम के तहत आज दिनांक 7/8/19 को खातियों की ढाणी के पास एक महिला जो अवैध रूप से गांजा ले जा रही थी से 8 किलो गांजा बरामद किया। वह महिला को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ जारी।